तो यार आ चुका हूँ एक न्यू इंस्टाग्राम का ट्रेंडिंग स्टेटस वीडियो लेकर के। ऐसे वीडियो अभी इंस्टाग्राम पे बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहे हैं लिरिक्स के साथ में, लेकिन इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ बिना लिखे कैसे बना सकते हो और अपने फोटो के साथ या फिर किसी के भी फोटो के साथ बना सकते हो आप, और वो भी काइन मास्टर एप्लीकेशन से। तो यार आप इस वीडियो में एंड तक बने रहना और आप इसको बिल्कुल भी स्किप मत करना। आपको मैंने काइन मास्टर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप जाने के बाद डाउनलोड कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। अगर चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब करके ज़रूर से जाना। उसके बाद में आप जब इसको ओपन करोगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर क्रिएट न्यू पे जाना है और आपको यहाँ से नाइन वाले रेशियो को ऐड कर देना, ठीक है। इसके बाद में ना आप लोगों को क्या करना है, आपको मीडिया के ऑप्शन पर जाना है और इसके बाद आप लोगों को मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर एक वीडियो को लिंक दिया है, ठीक है। वो मैंने पहले से ही कट करके रखा हुआ है, आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इस वीडियो को ऐड कर देना है, ठीक है। इसके बाद में ना इसका जो साउंड है ना वो आपको कर देना है यहाँ से म्यूट, ठीक है। जब मैंने कर दिया यहाँ से म्यूट, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर इसके एंड वाले पार्ट पे आ जाना है। एंड वाले पार्ट पे आने के बाद आपको यहाँ से सेटिंग वाले ऑप्शन पे जाना है, एडिटिंग पे जाना है। एडिटिंग पे जाने के बाद आपको यहाँ से बीच वाला ऑप्शन है फिल स्क्रीन, इसको ऐड कर देना है। अब इसके बाद में ना आप लोगों को यहाँ पर फोटो का ड्यूरेशन है उसको आपको ऐड करना है। वो आपको कैसे ऐड करना है, आप जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर मैं 0.5 पे आ गया, ठीक है। इसके बाद में आपको 1 सेकंड बढ़ाना है और आपको इसके बाद 1 सेकंड और बढ़ाना है, मतलब ये टोटल 7 सेकंड पर ऐड हो जाएगा, ठीक है। और आप अपने हिसाब से साउंड को सुन के एडजस्ट कर लेना जो आपको बेहतर लगता है, ठीक है। मैंने यहाँ पर 7 सेकंड का ऐड कर दिया, मतलब अब इसके अंदर हर 7 सेकंड के बाद फोटो ऐड होगा। तो इसके बाद क्या करता हूँ, मैं मीडिया के ऊपर जाता हूँ और आपने जो बेस्ट फोटोज़ है ना आपके खुद के, उन फोटोज़ को जाके आप डाउनलोड, मतलब आप जिन फोटोज़ को जाकर आप ऐड कर देना, ठीक है। चलो जैसे कि मैं एक ऐसे ही इन फोटोज़ को जाके ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। चलो जैसे कि मैंने इन फोटोज़ को ऐड कर रहा हूँ, अब इसके बाद मैंने ये फोटो ऐड कर ली, ठीक है। अब जैसे कि मैंने ये फोटो ऐड कर ली, अब तुम देख सकते हो पहले से ही ये वाले फोटो जो है अच्छे से एडजस्ट हो चुके हैं और उसके साथ के साथ में सभी का साइज़ एक साइज़ हो चुका है, जैसा नहीं अलग अलग साइज़ सबका हो, ठीक है। सभी का साइज़ एक साइज़ हो चुका है। अब जैसे कि ये स्टेटस यहाँ तक कंप्लीट बन चुका है आपका, अब यहाँ तक बनने के बाद आपको क्या करना, आपको स्टार्टिंग वाले पार्ट पे आ जाना है। स्टार्टिंग वाले पार्ट पे आने के बाद आपको यहाँ से लेयर पे जाना है, मीडिया पे जाना है और आपको यहाँ से उस वीडियो का लिंक, एक और वीडियो का लिंक दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड कराना, ये आपको फुल वीडियो मिलेगा, ठीक है। इसका जो है ना आपको ये वीडियो फुल मिलेगा, जैसे कि ये देख सकते हो तुम, ठीक है, यहाँ तक इस तरीके से। तो आपको क्या करना है, आपको नीचे से नीचे नीचे आ जाना है और आपको यहाँ पे सेकंड नंबर में मिलेगा एक्सट्रैक्ट ऑडियो का ऑप्शन, आपको इसको ले लेना है और इसके बाद में इस वीडियो को कर देना डिलीट जो भी आपने ऐड की थी, ठीक है। अब ये वीडियो जो आपका आ चुका है और इसका ऑडियो भी जो है यहाँ पर आ चुका है, अब आपको जो स्टेटस वीडियो ना वो बिल्कुल कंप्लीट तरीके से बन जाएगा। लेकिन अपन को इसके अंदर करने हैं इफेक्ट को ऐड, और वो आपको कैसे ऐड करने हैं, आपको क्या करना है, आपको फोटो पे क्लिक करना है। फोटो पे क्लिक करेगा आपको क्लिप ग्राफिक पर जाना है और आपको यहाँ पर दो ही सिर्फ बीट को ऐड करने हैं, ठीक है। दो क्लिप ग्राफिक को आपको ऐड करने हैं और वो कौन कौन से, एक ही कोलमेट डीजे और एक यहाँ पर वेस्टर्न वाला। लेकिन आपको ये काइन मास्टर में नहीं मिलेंगे, वो आपको कहाँ मिलेंगे, आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा बीट सीन्स नाम से, ठीक है। और उसके अंदर ऐड कैसे करने हैं एक वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब तक तो आप लोगों को मालूम होगा, जो अगर नए हों तो मैं बता देता हूँ कि आपके एक वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप उस वीडियो को जाकर देख लेना और आपको सब मालूम हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले वाले फोटो में अपन को कॉल में डीजे पर जाना है और अपन को फर्स्ट वाला छोड़ के सेकेंड वाला ऐड करना है। अपन ने सेकेंड वाला ऐड किया, इसको फुल ऐड करना है, ठीक है। जैसे जैसे फुल ऐड हो जाएगा फिर आपको राइट क्लिक कर देना है, सेकेंड वाले फोटो पे जाना है और अपन को क्लिप ग्राफिक पे जाना है और अपन को यहाँ पे वेस्टर्न वाले को इसके अंदर फर्स्ट वाला ऐड करना है, ठीक है। इस तरीके से आपको फर्स्ट वाला ऐड कर देना है, ठीक है। अब वापस से अपन को जाना है थर्ड वाले फोटो पे और अपन को जाना है क्लिप ग्राफिक पे और अपन को जाना है कॉल में डीजे पे। इसके अंदर आप यहाँ पे सेकंड या फिर थर्ड वापस से कर सकते हो, या तो आप सेकंड वापस से कर लो या फिर आप थर्ड वाला कर सकते हो, ठीक है। ये थर्ड वाला ऐड कर दिया, फिर अपन को फोर्थ वाले फोटो पर जाना है और अपन को क्लिप ग्राफिक पर जाना है और वेस्टर्न वाले पर जाना है और इसी के अंदर अपन को फर्स्ट वाला ही ऐड करना है। कॉल में डीजे में आप अलग अलग चूज़ कर सकते हो, नहीं तो आपको मतलब वो तो करना ही करना है, आपको कॉल में डीजे में आप अलग अलग कर सकते हो या फिर आप एक भी कर सकते हो, कोई सा भी, एक या फर्स्ट या सेकंड या थर्ड, लेकिन वेस्टर्न वाले में आपको फर्स्ट नंबर का ही ऐड करना है, ठीक है। अब इसके बाद में अपन नेक्स्ट फोटो पर चलते हैं, क्लिप ग्राफिक पर चलते हैं, कॉल में डीजे पर चलते हैं। अब अपन यहाँ पर थर्ड फोर्थ नंबर या फाइव नंबर या सिक्स नंबर या फर्स्ट नंबर या एक नंबर सेकेंड नंबर को ऐसा भी ऐड कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगता है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट फोटो पे चलते हैं और अपन इसके ऊपर वापस वेस्टर्न वाले पे चले हैं, क्लिप ग्राफिक पे जाएंगे और इसके अंदर अपन को फर्स्ट वाला यूज़ करना है, ठीक है। इस तरीके से आपको जो है मतलब सब कुछ ऐड करते चले जाना है, जैसे कि तुम अभी देख सकते हो। तो चलो जाकर जैसे कि मैं जल्दी से सारे फोटोज़ के अंदर जाके ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे कि अभी तुम देख सकते हो आपको सब जाके ऐड कर सकते हो। तो चलो जैसे कि मैं जल्दी से सारे फोटोज़ के अंदर क्लिप ग्राफिक ऐड कर लेता हूँ।
अब गाइस जैसे कि तुम देख सकते हो मैंने सबके अंदर जो है फोटोज़ के अंदर ट्रांजेक्शन मतलब बीट वगैरह जो है मैंने इफेक्ट वगैरह क्लिप ग्राफिक ऐड कर लिए। ठीक है, अब ये ऐड करने के बाद में मैंने जो फोटोज़ है ना वो मैंने कम ऐड करे। मेरा जो साउंड है स्टेटस 15 सेकंड का बना है, ये साउंड जो है वो 31 सेकंड का है मतलब। ठीक है, जैसे कि देख सकते हो 32 सेकंड का ये साउंड है। आप इसके अंदर जितने चाहो उतने फोटोज़ को ऐड कर सकते हो, लेकिन मैंने यार कम फोटोज़ को ऐड करे हैं क्योंकि मेरे पास इतने फोटो है नहीं और मैं सिर्फ आपको समझाने के हिसाब से मैंने ये वीडियो बनाया। ठीक है, तो आपका जो स्टेटस वीडियो वो कम्प्लीट तरीके से बन जाएगा जैसे कि तुम अभी देख सकते हो। ठीक है, इसके अंदर आप अपने फोटो अपनी गर्लफ्रेंड के फोटो किसी के भी फोटो ऐड करके इंस्टाग्राम रील्स पे अपलोड कर सकते हो। तो यार बस इतना था इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब करके भी ज़रूर से जाना। तो गाइस यही था आज के इस वीडियो में।